रगड़ने दे, इन वक्त के सब खुदाओं से मुझको जरा तू उलझने दे, इन लहरों को तू पकड़ने दे, तूफानों को भी झगड़ने दे, इन वक्त के सब खुदाओं से मुझको जरा तू उलझने दे, टूट कर तो बिखरा नहीं, वुसतों में यूं खड़ा हूं मैं, रंग लाएगी मेरी जुस्तजू, बनके रहेगा नया पाकिस्तान, गुजरे हुए हैं महाज पर के दिलों की कतूर से तले जाएंगे सब बोहरा, होंगे पूरे सब अरमान, बन गए पाकिस्तान, बन गए पाकिस्तान, बन गए मुझे सपनों में तलाश कर, हर दिन नया मेरा आज़ है, मुझे रोशनी में तलाश कर, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ मैं, इसका दम भरता हूँ। फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को चोरों को लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सब नुकसान, तुम देखना मेरी जान, बन गए पाकिस्तान, बन गए पाकिस्तान, बने गाने पाकिस्तान, बने गाने पाकिस्तान, बारी है हमारी सारी विकट गिराएंगे, पहले जैसे जीते वैसे जीत के दिखाएंगे, ओ जैसा भी मैदान, जीते गए अपना खान, बन गए पाकिस्तान, बन गए पाकिस्तान, बन गए पाकिस्तान, पैसों के इवज नहीं बेचना ईमान को, याद रखो सारे इस बल्ले के निशान को, जो कहता है इमरान है कायद का
आपके सिवा। जब वो आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी करो, वो पीछे नहीं देख सकते, आपको भी नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे, हाँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, तुमने पीछे बैठे पीछे देख सकते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। एक तो स्टेज मैनेज करना पड़ता है, यहां पूरा जलसा स्टेज के ऊपर है। आपने पीछे बैठना है ताकि लोग स्क्रीन देख सके, क्योंकि मैं आप सबको अभी एक छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा जब मैं तकरीर करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं तो मैं फैसलाबाद के लोगों, पहले तो इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में इस तादाद में आने का, मुझे इज्जत देने का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज खास तौर पे यहां ख्वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी ख्वातीन से माजरत करना चाहता हूं, जो दो इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे में जो उनसे ज्यादती हुई, मैं आज आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि कभी भी तहरीक इंसाफ के जलसे में आगे से कोई भी हमारी ख्वातीन के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकेगा। हमने खास अपने तरीके इंसाफ के टाइगरों को ट्रेन किया हुआ है कि जो भी हमारी ख्वातीन के पास आया उनको ऐसा फेंटा लगाया जाएगा कि कभी आगे से जरूरत नहीं करेंगे। मैं यहां अपने मजदूरों को, यहां किसान भी आए हुए हैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूं, यहां बिजनेसमैन भी आए हुए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी मुझे कहा वो आएंगे, उनको भी खुश आमदेद कहता हूं, नौजवानों को खास तौर पे खुश आमदेद कहता हूं। माशाल्लाह, मैं समझता था कि मैं 21 साल गर्मी में क्रिकेट खेल के मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन माशाल्लाह जो आज आपने गर्मी बर्दाश्त की है 47 डिग्रीज, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये जुनून है जो बनाएगा नया पाकिस्तान, ये आपका जज्बा है जो इस मुल्क को तब्दील करेगा। पीछे होना यार, मैंने फिल्म दिखानी है पीछे, खुदा पीछे हो, मैंने भी आपको एक फिल्म दिखानी है, आप बड़ा मजे लेंगे उसके, सबने बैठ जाना है वहां पीछे। जी मैं वो देखो सारा शोर मचा रहे हैं वो, आपको थोड़ा सा नीचे, नहीं हो सकता थोड़ा, नहीं हो सकता या थोड़ा उधर हो जाओ, वो थोड़ा सा तो नीचे हो, नहीं हो सकता। चलें
चलें इधर से मैं आपको देख लूंगा। अच्छा जी, अब जरा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, पीछे बैठो ना, नहीं देख सकते, अजाब है ये। एक तो तहरीक इंसाफ का सामने जलसा होता है, एक स्टेज के ऊपर जलसा हो रहा होता है। मैं, मेरे पाकिस्तानियों, अब जरा थोड़ी खामोशी, मेरी बात सुननी आपने गौर से। मैं फिर से, मैं अपने पाकिस्तानियों को याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम ख्वाब का नाम है, एक अजीम ख्वाब का नाम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना था जो सारी दुनिया के मुसलमानों ने खुशियां बनाई थी कि दुनिया में वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। मैं ये चाहता हूं कि यहां जो हमारी माइनॉरिटीज, हमारी अकलियतें, वो भी सुन लें कि मेरा पाकिस्तान का ख्वाब क्या है। मेरे पाकिस्तान के ख्वाब में सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर। मेरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानियों के लिए एक कानून, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीह हो, जो भी हो, इंसान हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, इंसानों का खुदा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए मेरा जो पाकिस्तान है, जो कायदे आजम का पाकिस्तान है, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल इलामा इकबाल का पाकिस्तान है, मैं पहले आपको बता दूं पाकिस्तान क्या था। मुझे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में यूनिसेफ का एम्बेसडर था, वहां मुझे अल्बेनिया का प्राइम मिनिस्टर मिला आज से 20 साल पहले। उसने कहा हम छोटे से थे जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, हम गुलामी कर रहे थे उन दिनों में, हमने रेडियो पे सुना कि एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। कहता हमने मिठाइयां बांटी अल्बेनिया में, ईस्टर्न यूरोप में हमने मिठाइयां बांटी। तो मेरे पाकिस्तानियों याद रखे, आप एक अजीम कौम आपने बनना है, आप एक अजीम सोच की वजह से बने थे। हमने एक ऐसा मुल्क बनना है जो सारी मुसलमान दुनिया के अंदर एक मिसाल बनेगा, अदल और इंसाफ का निजाम बनेगा, एक ऐसा मुल्क बनेगा जो मगरब भी जब देखेगी, हमें देखेगी तो वो कहेंगे ये देखो ये पाकिस्तान जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी फिर रहा है, सच्चे इंसान, बड़े इंसान, बड़े किरदार के इंसान, सादिक और अमीन। ये है ख्वाब। जब हम अपने आप को बदलेंगे, मुल्क बदल जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। मुझे हाथ खड़े करके बताओ, क्या आप तैयार हो हरो हादल हालत बदलने के लिए? मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं, और मुझे वो वक्त बड़ा करीब नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले कभी भी किसी भी कौम को जद्दोजहद किए बगैर अल्लाह ने आजादी नहीं दी। नौजवानों, आपने अगर एक अजीम मुल्क बनना है और बनाना है तो आप सबको, हम सबको मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये फैसलाबाद, ये फैसलाबाद था पाकिस्तान का मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियल शहर, मजदूरों का शहर, एक वो शहर जो पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स फैसलाबाद की, फिर पाकिस्तान से हमें बाहर से डॉलर्स आते थे क्योंकि यहां एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। ये वो शहर था जो पाकिस्तान, जब ये खुशहाल होता था कराची की तरह, पाकिस्तान खुशहाल हो जाता था। और आज
फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरे हालात में है, लोग फैक्ट्रियां बेच के रियल एस्टेट में चले गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हैं। भी पूछा है कि ये क्यों, ये हमारे इतने बड़े लूम के मजदूर जो लूम की फैक्ट्रियों में काम करते थे, हमारे बेचारे, मुझे खास तौर पे पैगाम भट्टे के मजदूरों ने कहा कि उन बेचारों को 1000 रुपया मिलना चाहिए था, 1000 ईंटों का तकरीबन 1000 रुपया, 500 रुपया भी नहीं मिलता। हर जगह से किसान रो रहा है चारों तरफ, बेचारे किसानों को 1300 की बोरी आटे की मिली थी, 1100 पे बेचारों को मुश्किल से बेच रहे हैं अपना, अपनी गंदम सारा गर्मी में सर्दी में पूरे वक्त में काम करके आज किसान बेचारा उसको पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, फैसलाबाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और क्योंकि बेरोजगारी है जुर्म ही सबसे ज्यादा फैसलाबाद में, सबसे ज्यादा जुर्म है। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, ये क्यों है सब कुछ, पूछें अपने आप से कि क्यों क्यों अल्लाह का अजाब आया हुआ है हमारे मुल्क के ऊपर। सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं, हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ रही हैं। मेरे पास यहां पूरे कागज हैं, कीमतें कितनी बढ़ी हैं कि किस तरह हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। दाल 25, आम आदमी जो दाल खाता है 50% उसकी कीमत बढ़ गई। दूध, बच्चों को जो दूध देना होता है, दूध की कीमत देखें, सूखे दूध की कीमत देखें, 20% वो बढ़ गई, 40% वो बढ़ गई। तो क्यों हो रहा है ये आपसे? और इसलिए मैं अभी पैनामा की तरफ आऊंगा। ये जो पैनामा है, ये पैनामा की वजह से आपको अब समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। 20 साल पहले मैंने सियासत शुरू की और मैं 20 साल से कहता गया कि जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी, आम आदमी की करप्शन नहीं, साहिब इक्तदार की करप्शन, जब तक इस मुल्क में सियासतदान इक्तदार में आके मुल्क लूटना बंद नहीं करेंगे, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज अल्लाह हक है, मालिक यौम दीन है, इंसाफ का खुदा है। 20 साल में कहता रहा अपने लोगों को कि आपके लोग इस मुल्क में सिर्फ इक्तदार में आते हैं पैसा बनाने के लिए, और मैं 20 साल से कहता रहा, और जो जो मुझे सुनना पड़ा 20 साल में, मुझे जाती अटैक किए गए, और शादी की मेरी बीवी को यहूदी लॉबी कह दिया, वो बेचारी वहां से मुसलमान होके यहां आती है और कहती है यहूदी लॉबी कि किसी तरह इमरान खान का मुंह बंद करवा दो, जाती हमले, उस बेचारी बीवी के ऊपर केस कर दिया टाइलों का कि जी टाइलें स्मगल करने जा रही है, वो जो बेचारी उस घराने से छोड़ के पाकिस्तान, कहते जी टाइलें स्मगल कर रही, मेरे ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, अस्पताल बनाया उसके ऊपर क्या, अस्पताल पे अटैक कर दिया सिर्फ मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। ये 20 साल से ये मेरे पे हो रहा था। आखिर जब इन्होंने समझा कि जनाब अब तो करप्शन को यहां कोई पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम आम में सारे नंगे हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं, वो कहता तुम करप्ट हो, वो कहता तुम करप्ट हो, दोनों चुप हो जाते थे, ये चलता आ रहा था ड्रामा। मैं अकेला लगा हुआ हूं कहने कि जब तक इनका ऊपर से एहतसाब नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। अब नीचे पटवारियों नैब बनती है, छोटे छोटे पटवारियों को पकड़ लिया, कभी कोई सरकारी नौकर को पकड़ लिया, अभी पता चला। और करप्शन रुकनी कैसे थी, करप्शन कैसे रुकनी थी, जब बड़े बड़े ऊपर प्राइम मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, उसके वजीर करप्शन कर रहे हैं,
तो नीचे कौन रोकना था, किसको रोकना था करप्शन से? कभी भी करप्ट इंसान करप्ट इंसान का एहतसाब नहीं कर सकता, और यह हो रहा था। और पाकिस्तानियों, पैसा आपका लूटा जा रहा था। आप जब समझते हैं ना कि गवर्नमेंट का पैसा लूटा जा रहा है। अभी बलूचिस्तान में एक फाइनेंस सेक्रेटरी पकड़ा गया, उसके घर में जानते कितना कैश पड़ा हुआ था, 68 करोड़ रुपया। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में 68 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। अब मुझे बताओ पाकिस्तानियों, किसका पैसा था? लोग समझते जी हमारा तो पी था। ये मैं नौजवानों आपको समझाने आया हूं कि ये जब चोरी होती है, जब करप्शन होता है, आपका पैसा चोरी होता है। पूछे कैसे? आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, जो भी चीज आप खरीदते हैं 17% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, 17% टैक्स देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आम चीजें हैं, डीजल के ऊपर 98%। डीजल के ऊपर 98% टैक्स, पेट्रोल के ऊपर 50% टैक्स। जो आप अपना मोबाइल का फोन कार्ड लेते हैं, 100 रुपए में से 43 रुपए टैक्स। हर चीज पे टैक्स लगता है, आपकी जेब से निकलता है, होता पैसा आपका है, खाता कोई और है। और हम समझते हैं जी ये तो जो गवर्नमेंट का पैसा चोरी हो गया, आपका पैसा चोरी होता है। इसलिए पाकिस्तानियों, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गुरबत